तस्वीरें पीएम मोदी के यूएई पहुंचने की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मोदी को रिसीव किया यूएई के डिप्टी पीएम सैफ बिन अल नाहयान ने। खुले बाजुओं से सैफ बिन अल नाहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। ये गर्मजोशी भारत और यूएई के बीच के मित्रता संबंधों का सारांश है। इसके बाद दुबई की सड़कों पर रंग हिंदुस्तान का था, राग हिंदुस्तानी था और रुआब हिंदुस्तानी। मौका क्लाइमेट चेंज को लेकर बेहद हाई प्रोफाइल समिट COP28 का था और निगाहें मोदी पर थी, क्योंकि दुनिया के सामने खड़े जलवायु संकट के हल की उम्मीद भारत से ही बनती है। तो इस समिट में भारत का रुख क्या था, इसे आपको बताएं। उससे पहले कुछ तस्वीरों पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आखिर वैश्विक संकट के हल में आशा की किरण नए भारत में क्यों दिखाई दी। इसके पीछे है भरोसे और मित्रता की कमाल की केमिस्ट्री। पीएम मोदी जब दुबई में चल रहे COP28 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, तो मोदी के मित्र और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। दोनों के बीच करीब 20 सेकेंड्स की बातचीत हुई और शानदार केमिस्ट्री दिखी। इसके बाद पीएम मोदी यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरस से भी गर्मजोशी से मिले। फोटो सेशन के बाद तीनों आपस में बात करते रहे और पूरा वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भरा दिखा। मोदी का यही मित्रता जेस्चर लोगों को उनका कायल बनाता है। COP28 के शिखर सम्मेलन में हर देश के राष्ट्राध्यक्ष से पीएम मोदी की मुलाकात अपने चिरपरिचित अंदाज में हुई, जो मित्रता के भावनाओं से भरी दिखी। फिर चाहे वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव हो, बहरीन के राष्ट्रपति हमद बिन खलीफा हो, जॉर्डन के किंग इब्न अल हुसैन हो, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हो या श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंह है, सभी से मोदी पूरे गर्मजोशी से मिले। बीते करीब 10 सालों में दुनिया बखूबी समझ चुकी है कि पीएम मोदी का भावनाओं से भरा संवाद ही भारत का संवाद है, भारतीयता का संवाद है। असली भारत ऐसा ही है, पूरी दुनिया को अपने परिवार का हिस्सा मानने वाला। यही वजह है कि मोदी जहां जाते हैं मित्र बनकर छा जाते हैं, लेकिन गंभीर मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से करते हैं, फिर चाहे वो युद्ध हो या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। फ्रेंड्स, G20 में इसे लेकर सहमति बनी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। चूंकि समिट क्लाइमेट चेंज विषय को लेकर थी, लिहाजा भारत ने ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपनी बात रखी। लेकिन सच ये है कि वैश्विक शांति से लेकर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए मोदी एक ऐसे किरदार हैं जिनके पास दुनिया की समस्याओं का व्यावहारिक हल दिखता है। COP28 समिट से पहले की ये तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी के साथ हैं कतर के अमीर शेख तमीम इब्न हमद अल थानी। मोदी और अल थानी गंभीर मुखमुद्रा में बात कर रहे हैं। बातचीत करते दोनों वेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी तस्वीरें इसलिए हजार अर्थों के साथ उतरती हैं, क्योंकि कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व सैनिकों को वापस लाने की पूरी कोशिश भारत कर रहा है। वहीं हमास इजराइल जंग के बीच कतर जहां मध्यस्थ की भूमिका में है, तो भारत भी शांति की पुरजोर वकालत हर मंच से करता रहा है। बीते 9 सालों से ज्यादा वक्त में मोदी ने अरब ही नहीं बल्कि अफ्रीकन और पश्चिमी देशों से नए भारत का परिचय कराया है। ये वो भारत है जो बहिर्मुखी है और नई संभावनाओं से भरा है, संवेदनशील है और सकारात्मक भी।
यही वजह है कि COP28 समिट में मोदी के 4 भाषण हैं। इसके साथ ही 7 द्विपक्षीय वार्ताएं हैं और वहां पहुंचे अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अनौपचारिक मीटिंग्स भी। जाहिर है इन मीटिंग्स में बात सिर्फ जलवायु परिवर्तन को लेकर तो नहीं होगी, कई और मुद्दे भी होंगे जिस पर अनौपचारिक चर्चाएं हो सकती हैं। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विकसित देशों की उदासीनता सबसे ज्यादा दिखती रही है।